आज वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो, भव्य आयोजन की तैयारी। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा रोड शो, लंका से दशाश्वमेध घाट तक चलेगा काफिला। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे मोदी, फूलों से सजा मंच। भव्य रोड शो के बाद गंगा घाट पर जाएंगे पीएम मोदी, शाम 7 बजे गंगा आरती में होंगे शामिल। आरती के बाद वाराणसी के होटल जी पैरिस आएंगे मोदी, बुद्धिजीवियों से करेंगे मुलाकात। रोड शो में कई पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, पूरे रास्ते बरसते रहेंगे फूल। रोड शो में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण आएंगे नजर। काशी में कल भी गहमा गहमी का दिन, प्रधानमंत्री मोदी दाखिल करेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले काशी के कोतवाल बाबा भैरव के दरबार में जाएंगे मोदी। मोदी के नामांकन में शामिल होंगे नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, रामविलास पासवान और प्रकाश सिंह बादल। मोदी के स्वागत की तैयारियां तेज, गंगा में एलईडी लाइट से लिखा गया मैं भी चौकीदार। वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, छावनी में तब्दील काशी। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बनारस में उत्सव का माहौल। वाराणसी जाने से पहले बिहार के दौरे पर जाएंगे पीएम, दरभंगा में जनसभा। आज बांदा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, बांदा रैली में पानी के इस्तेमाल को लेकर प्रियंका ने साधा था निशाना। आज मोदी के अलावा बुंदेलखंड में प्रियंका का भी दौरा, झांसी और जालौन में रोड शो। आज राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी, अजमेर, जालौर और कोटा में रैलियां। आज मायावती और अखिलेश की साझा रैली, कन्नौज में डिंपल यादव के लिए मांगेंगे वोट। लालू की बेटी मीसा भारती आज रोड शो के बाद पाटलिपुत्र से भरेंगे नामांकन, राबड़ी देवी भी रहेंगी साथ। आज किरण खेर चंडीगढ़ से भरेंगे नामांकन, अनुपम खेर ने वोट देने की अपील की। अखिलेश यादव घमंडी पार्टी, लगाया धोखा देने का आरोप। अखिलेश यादव के नामांकन में झूठी जानकारी देने का लगाया आरोप, निर्वाचन अधिकारी ने किया खारिज। अरविंद केजरीवाल आज जारी करेंगे दिल्ली के लिए मैनिफेस्टो, पार्टी के उम्मीदवार भी होंगे मौजूद। कांग्रेस से गठबंधन की रणनीति नाकाम होने के बाद आपका नया प्लान, 24 फ्रंटल टीम घर घर जाकर करेगी प्रचार। ममता की बायोपिक बाघिन के ट्रेलर पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। बेगूसराय में आरजेडी उम्मीदवार पर गिरिराज सिंह के बिगड़े बोल, कहा तीना जमीन चाहिए तो वंदे मातरम बोलना होगा। अमेठी में अचानक प्रियंका रात को पहुंची गांव में, महिलाओं से की बातचीत। जबलपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का साध्वी प्रज्ञा पर विवादित बयान, बताया चाकूबाज। 2001-2 में वहाँ रही है और वहाँ वो चाकूबाजी करती रही है, तो मैं समझता हूँ प्रज्ञा ठाकुर जी एक शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति की महिला रही है। सतना में सुषमा स्वराज ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोली दुनिया का एजेंडा तय कर रहे हैं पीएम। हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती का बयान, मोदी की तरफ आंख उठाकर देखा तो हाथ काट लेंगे। एमपी के बीजेपी चीफ राकेश सिंह ने आतंकवाद को बताया प्यार और बलिदान का प्रतीक। हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नसीरुद्दीन सिद्दीकी के बोल, कहा कातिल चौकीदार चोर है। हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत न मिलने पर शिवराज सिंह चौहान की कलेक्टर को धमकी, बोले हमारे दिन आएंगे तब क्या होगा। अंबेडकर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी उमेद निषाद समेत 8 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज। अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। अगुस्टा वेस्टलैंड के बिचौले मिशेल के परिवार ने खटखटाया यूएन का दरवाजा, उत्पीड़न का आरोप। सीजीआई यौन उत्पीड़न मामले में फिर सुनवाई, वकील उत्सव बैंस को दूसरा हलफनामा दायर करने के लिए दिया गया था वक्त। रेड कॉर्नर नोटिस पर जाकिर नायक की सफाई, बोले मोदी के दबाव में इंटरपोल नहीं भेजेगा नोटिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के बोइंग 20777 में आग, प्लेन में नहीं था कोई यात्री। रोहतक में गेहूं की फसल में लगी आग, 300 एकड़ खेत खाक। केदारनाथ की कपाट खुलने में 14 दिन बाकी, अब भी जारी है बर्फबारी। बर्फ हटाने में लगातार जुटी है रेस्क्यू टीम, रास्ता साफ करना प्राथमिकता। पुंछ में भारी बर्फबारी में मुगल रोड जाम, राहत काम में जुटी टीमें। पांडिचेरी में एक शख्स ने बनाया महल की तरह का घर, खास डिजाइन से तैयार किया गया है घर। आईपीएल में बैंगलोर ने पंजाब को 17 रन से दी मात, कोहली की टीम ने दिया था 203 का लक्ष्य। बैंगलोर की ओर से डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 82 रन। जीत के बाद 7वें पायदान पर पहुंचा बैंगलोर, 5वें पर कायम है पंजाब। आज केकेआर और राजस्थान का मुकाबला, कोलकाता में होगी जंग। एशियन एथलेटिक्स में भारत की बड़ी कामयाबी, गोमती मरिमुथु ने जीता 800 मीटर में गोल्ड। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक,
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।